आपने कभी ऐसी मेहंदी लगवाई है? देखिए मैंने कैसी इस बार मेहंदी लगवाई है, काफ़ी यूनिक सा पूरा तांत्रिक वाला, उस पर पूरा मंत्र लिखवा डाला है मैंने अपने हाथों पे दीदी से, लेकिन मेरे को काफ़ी पसंद आया। अगर आपको भी ऐसा मेहंदी अच्छा लगे तो आप भी लगवाओ, और अगर अच्छा लगे तो इस वीडियो का लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय नहीं सॉरी हेलो फ्रेंड्स। तो आज से मेरा ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है शादी का। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि इसके घर कितना शादी पड़ता है यार, तो ये फिर से एक शादी है। तो यहाँ पे मतलब घर पे ही है बगल में, तो फाइनली कल शादी है एंड आज हम लोग को पूरी खाने को मिलेगा। हाँ, आज भतवान वाला दिन है और आज भी बारिश हो रही है और इधर बरखा है, मिल लीजिए इनसे। हाय कर दो। हाँ, तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड आज भी काफ़ी बारिश हो रही थी एंड उस शादी में भी, इससे पहले जो शादी था उसमें भी काफ़ी सारा बारिश हो रहा था, आप लोगों ने देखा, और इससे पहले भी जो हम लोग मामा के यहाँ गए थे उसमें भी बारिश हो रहा था। तो बारिश इस समय काफ़ी हो रहा है एंड वहाँ पर सब लोग हैं। ओ दिख रहा है, हाँ, एक कल्लू भाई आ गए। कल्लू भाई हाय, मेरे कल्लू। तो कल्लू वहाँ पे खड़े हैं, बहुत अच्छा है ये, मेरा पिल्लू बहुत क्यूट सा है, तो इसको भी हम खाना डालेंगे। और भीड़ इधर आ रही है, भीड़ आ रही है और हम घिसक ले रहे हैं। लीजिए भाई गाना बजाने जा रहे हैं और मैं घर पे आ गई। बारिश हो रहा है तो परेशान हो जा रहे हैं हम। अरे बाप रे बाप, ये जो पटाखे फूटते हुए आपको दिख रहे हैं ये वहाँ की शादी नहीं है जहाँ हम लोग इन्जॉय कर रहे थे। ये बगल में जा रहा था बारात, तो उसमें भी हम लोगों ने रिकॉर्डिंग कर लिया, काफ़ी मस्त पटाखे फूट रहे थे। लीची भाई कह रहे हैं कि बूफर निकाल के बाहर बजाओ। लीची भाई कहाँ से बजी बात? अरे नौ तेज बजी। हाँ हाँ, आवाज़ सुनाई ना और क्या है मुंडी को उठा लेते। अरे परी टिंकू भाई, मम्मी हाय कर दे। यही चल, रुक जा भाई, डीजे बजाओ। तो यहाँ पे गाना बजाने के लिए शोर हो रहा है क्योंकि यहाँ पे बूफर लग रहा है। अरे हमको बाहर जाने दो, हाय करो। ए पूजा दीदी सॉरी मम्मी, पसीना हुआ चलो ठीक। अरे निकले तो रहे देखा, काफ़ी ज़्यादा इंजॉय हुआ क्योंकि यहाँ पे डीजे पूरा बज नहीं पाया और सब भाग लिए, सब भाग गए, देखिए उधर सब भाग गए। एंड बारिश हो रहा है तो इसलिए मूड थोड़ा ऑफ हो जा रहा है, देख रहे हो सारा बारिश हो रहा है। यहाँ पे पेड़ है ऊपर इसलिए मैं इसके छांव में खड़ी हूँ। बारिश हो रही है, काफ़ी मस्त मौसम है, हरियाली हरियाली वाली। एंड भैया भी भाग रहे हैं, लीजिए भाई भागे, चलो अब बंद करके भागते हैं हम लोग। तो जल्दी जल्दी दरवाजा और दरवाजा बंद करते हैं और भागते हैं उधर शादी में। बरखा रानी जरा बताएं हमको बारिश का हो रहा है, बताओ जरा, इधर मुंडी घुमाओ इधर जरा, बारिश का हाल में बताओ कुछ। अरे वाह, चूड़ी खरीदा रहा है, चूड़ी हम रिकॉर्डिंग कर। कितने का एक से था? एक से बोलो यहाँ यहाँ तक।
तो पायल यहाँ पे चूड़ी सब खरीद रहे हैं, वो देख रही है क्योंकि इसको कुछ मिलने वाला तो है नहीं। इसको जैसे आगे हाथ पे मेहंदी भी नहीं लगाया, पीछे पूरा तांत्रिक बन गई है। यहाँ पे बारिश हो रही है इसी। भाई तू छुट्टी से बड़ी हो रही है, रिकॉर्डिंग कर रही है। अरे चाचा ये निकाल दो, मैं कभी खा अपने भाई के पास नहीं। ओ वाले देख सके सफाई अभियान चल रहा है इधर। हमके तन को शर्म नहीं आता तो वीडियो बना के तन्नी सी भी नहीं। पहले लड़की सफाई अभियान में लट्टी है, बस दिखाने के लिए सफाई वफाई नहीं कर दिया है। We'll be right back.
डांस किए हैं, देख सकते हैं कि एकदम पसीना से हम लोग लथपथ हो गए हैं, मतलब हम लोग, मतलब दीदी भी वो आगे जा रही है और बहुत ज़्यादा पसीना हो गया है हम लोगों को, देख सकते हैं कि पूरा बाल गीला हो चुका है। नहीं आपको देखना पड़ेगा, नहीं इधर आपको देखना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा। अरे बाप रे, इतना पसीना, पूरा बाल चिपक गया चिपड़ी की तरह। चलो खोलो, चलो ये आपको नाच गाना जो दिख रहा है, ये हम लोग लावा लेने जा रहे हैं। जो लड़की की शादी होती है तो लावा प्रसाद आता है ना, तो वो उस मतलब वही लेने जा रहे हैं हम लोग, और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डांस वांस हो रहा है, आप लोग एंजॉय करिए। डांस किए इधर, बहुत सारी जनता है जो लोग को देख रही है, और ये हम रो नहीं रहे, ये पसीना है। तो जो बाकी रस्में थी वो सब कर लेने के बाद हम लोग यहाँ पे शाम को खाने का प्रोग्राम स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे रिसेप्शन नहीं था, एक दिन पहले जो खाना खिलाया जाता है वो है, और जिस रस्म की मैं बात कर रही हूँ वो होता है जो दूल्हे लोग मोर पहनते हैं वो चढ़ाने जाते हैं, और जो लावा परसा जाता है वो हम लिया जाता है। तो वो सब प्रोग्राम इसलिए एक दिन पहले हो गए हैं क्योंकि डे की शादी है और दिन में बारात विदा होती, तो उसके लिए टाइम नहीं मिल पाता सही से, इसलिए एक दिन पहले वो सब करके सब फ्री हो जाते हैं। ये दूल्हे की मम्मी है, यहाँ पे मेरी सिस्टर, चाची, भाभी लोग सब बना रही हैं। ये पायल पूड़ी दिखा रही है कि कैसा बनाई है, सब लगे हुए हैं काम में एकदम मस्त, बहुत इंजॉय लेते हैं हम लोग। बरखा खड़ी होके देख रही है, और यहाँ पे कुछ देर में इतना पानी शुरू हो जाता है, अभी दिखेगा, देखिए ये तो भला अच्छे से टेंट किया हुआ था सब, नहीं तो पूरा माहौल ख़राब हो जाता। पानी अंदर तो एक बूंद भी नहीं आया, लेकिन ये सब पानी ऐसे गिरा रहे थे, बहुत मज़ा आ रहा था देख के। तो आज का प्रोग्राम बस यहीं तक था, इसका नेक्स्ट पार्ट अभी इसके बाद अपलोड करूँगी, तो बने रहिएगा कंटिन्यू। तो आज भतवान वाला दिन था, जिस दिन खाना खिलाने वाला दिन था, और देख सकते हैं कि कितनी बारिश हो रही है, तो बारिश हम लोग का पीछा नहीं छोड़ रही है। इस बार जितनी भी शादियां थी सब में बारिश हुई थी, देख रहे हो कितनी ज़्यादा बारिश हो रही है, एकदम जैसे लग रहा है झरना बह रहा है, सब बेचारे उसी में पानी में भींग भींग के खाना खा रहे हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो एक लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।